मैंने सर सी सी एन ए भी किया था तो सी सी एन ए करने के बाद मैंने जो है फिर टी सी एस ज्वाइन किया था तो मेरे को फिर नेटवर्किंग uh, में uh, जो है इतना फिर इंटरेस्ट नहीं था क्लाउड इसीलिए ज्वाइन करना है सर क्योंकि एक्चुअली uh, में दैट दू नो फ्यूचर और उसके वजह से ही जो है अभी मार्केट पूरा जो है न uh, है अगर मैं अभी बताने जाऊं तो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटर uh, you know, uh, right you know, uh, और सारा जो है हम लोगों ने जो है ना आज पे ही है, हम लोगों का डिप्लॉयमेंट ड़, है ना हो गया है सर ठीक है तो इसीलिए यही पॉइंट ऑफ व्यू से सर मुझे अभी, अभी जॉब है उसमें क्लाउड का कुछ काम करते हो आप हाँ सर बेसिक हम लोगों का इतना का, आ, काम होता है आश्योर में बेसिक इतना होता है कि आप एम एफ रीसेट कर दो अगर किसी का जो है डिवाइस जो है वहां पे नॉन कॉम्प्लाइंट है तो कॉम्प्लाइंट के लिए जो है वहां पे कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई ग्रुप में एडिशन है या फिर उसको रिमूव करना इन्टुन है तो वो काम कर रहे हो एग्जैक्टली सर तो इन का जो है बेसिक वर्जन है उसके अच्छा समझ गया तो जी सर मतलब आपको देखो क्लाउड सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड है राइट फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ना हर कोई आ जाता है uh, कहीं ऐसे हैं है डेव ऑप्स करा और वो अब सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो उसको डेवसेकऑप बोलते हैं ठीक है ओके सर तो अकेला क्लाउड मैं बोलू ना कि मुझे अकेला क्लाउड पढ़ना है तो वो ना रिलेट नहीं हो पाता बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक कोर डोमेन चूज करना होगा जैसे आपने नेटवर्क सिक्योरिटी चूज किया ठीक है तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आपने क्या करा कि आपको राउटिंग स्विचिंग की नॉलेज होगी और फायरवॉल्स की नॉलेज होगी अब वो नॉलेज आप अपनी कहाँ पे शो कर रहे हो वहां देखो आज की डेट में ना तीन डोमेन बल्कि सारे डोमेन में आपको बताता हूँ जैसे जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग हैं नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह में उन लोगों को भी फायरवॉल्स को क्लाउड पे डिप्लॉय करना पड़ता है ठीक है जी सर अब ये तो नेटवर्किंग वाले जो इतने भी हैं उनको भी क्लाउड सिक्योरिटी करके फायदा है दूसरे आ जाते हैं डेवॉप लाइनेक्स डेवॉप्स वाले लोग जिनको ऑटोमेशन आता है अगर उनको सो सर्वर बनाने लाइनेक्स में तो वो क्या कर सकते हैं तो उसको ऑटोमेट करके डॉक कर क्यूबरिटीज वगैरह के थ्रू वो बड़े स्केल uh, पे ऑटोमेट कर सकते हैं विद सम स्क्रिप्ट एंड ऑल राइट उसके लिए ओके। बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं तो डेवॉप्स क्या करता है बेसिकली डे का भी काम है पूरा का पूरा क्लाउड के ऊपर इंफ्रा बनाना जैसे okay. अगर मैं एक तो मैं क्या करूंगा सर्वर दूंगा ठीक है तो नेटवर्क वाले का काम पूरा हो गया उसके बाद वो ट्रबल शूटिंग भी इशू आए तो सॉल्व करेगा अब डेवॉप्स का अब, अब मान लो मुझे अगर क्लाउड पे इंफ्रा बनाना है तो क्लाउड पर बहुत बड़े स्केल पे इंफ्रा बनता है वहां पे नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं एक्चुअल में वो कौन से लोग हैं जो डेब्स इंजीनियर है तो वालों को स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन अब उनको भी नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो होता क्या है कि आज की की डेट में नेटवर्किंग भी नॉलेज चाहिए है ना वो तो श्योर है आप किसी भी अगर आपको इंफ्रा बनाना सीखना है तो आपको क्लाउड में जाना है तो डेबॉप्स भी सीखना पड़ेगा आप ये अच्छा, नहीं कह सकते हो कि मुझे तो यार सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है क्लाउड सिक्योरिटी क्या है बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी एक टेक्नोल एक जनरल कीवर्ड है बट अगर आप देखें क्लाउड को सिक्योर करना ठीक है तो अच्छा मुझे बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अपनी कंपनी का नेटवर्क सिक्योर करना है तो अगर आप सिर्फ फायरवॉल पढ़ोगे तो क्या आप बहुत अच्छे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंजीनियर बनोगे नहीं आपको राउटिंग स्विचिंग सारे डिवाइस आने चाहिए तभी आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर अच्छा बनते हो क्योंकि आपको एंड टू एंड सारी चीजें पता है अगर आप कहो कि मुझे सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है तो या तो आपको डेवॉप्स आना चाहिए कि आपको पूरा इंफ्रा बनाना आता है और उसके साथ आपको क्लाउड सिक्योरिटी आती है तो दो चीजों को कॉम्बिनेशन लेके चलना है या आप क्लाउड सिक्योरिटी के साथ डेवॉप्स करो ठीक है या पहले क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ लो और फिर डेवॉप्स कर लो वो आपकी कॉल है ठीक है ये।, ये सिंपल वही चीज है कि आपने क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ ली तो क्या होगा आपको पता चल गया कि कैसे क्लाउड में सर्वर बनाना है कैसे सिक्योरिटी लगानी कैसे बट अगर बड़ी स्केल पे जो कंपनी आपको हायर करेगी वो सिर्फ आपकी क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज पर इतने बड़े पैकेजेस नहीं देगी जितनी डेवॉक्स और क्लाउड सिक्योरिटी वाले को मिलेंगे okay, ठीक है या फिर जी. आप कोर नेटवर्क के बंदे हो नेटवर्किंग में आपको फायर आते हैं एस डी वैन आता है और फिर आप क्लाउड सिक्योरिटी कर रहे हो तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बट अगर मैं आज की डेट में अगर मैं आज नया करियर शुरू करता हूँ अपना तो मैं क्या करूंगा मैं सिंपल पहले अपना क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ लूंगा और साथ में डेवोर्स पढ़ना शुरू कर दूंगा ओके सर ठीक है अब क्या है कि अब यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि मुझे एडब्ल्यू पढ़ना है सिर्फ एजोर पढ़ना है जीसीबी पढ़ना है तो हम क्या जी. बोलते हैं भाई सब पढ़ो क्योंकि यू नेवर नो अच्छा एक बार बताओ कल को आपने एजियोर पढ़ लिया और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है और आपने जॉब अप्लाई करी गूगल में या किसी भी कंपनी में और वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि आपको गूगल का कुछ भी नहीं पता और हो सकता है एक बंदे को गूगल भी आता था एज़्योर भी आता था उसको चांस मिल गया बिकॉज कंपनीज विल ऑलवेज लुक फॉर देयर टेक्नोलॉजी ऑल्सो राइट right. अगर मैं अपनी कंपनी में अपने सारे पूरा इंफ्रा मेरा जीसीपी पे बना हुआ है तो मैं किसको हायर करूंगा बताओ, एजोर जिसको आता है या जिसे जीसीपी आता है ऑब्वियसली जिसको जीसीपी आता होगा उसको है ना तो अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं आपको क्योंकि कंपनीज का मार्केट शेयर आपको समझना होगा कि मार्केट में जो कंपनी का शेयर है ठीक है तो क्लाउड कंपनीज मार्केट शेयर तो अब क्या इंडिया हो चाहे यूएसए हो चाहे कोई भी मार्केट है तो आपको क्लाउड का इंफ्रा मार्केट समझना होगा कि सबसे बड़ा मार्केट किसके पास है ठीक है पर ओके। ये देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा है।, है कि अभी ये नहीं पता ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का है, ये कौन सी डेट का बट एवरेज लेके पकड़ो कि एडब्ल्यू एच एस का ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा थोड़ा बहुत फर्क है जीसी भी थोड़ा कम रहेगा ठीक है तो अगर यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूं ये वाला ठीक है तो इसके अंदर AWS 31% दिखा रहा है यानी वन थर्ड ऑफ मार्केट AWS के पास है Azure के पास 25% है Google Cloud के पास 11% है अब अच्छा। क्या होता है अब ये तो है मार्केट ठीक है अब इसके अलावा अब ये भी देखना है कि मार्केट में मान लो मेरी कंपनी है TCS और मैं नहीं। नहीं। अपना कोई क्लाउड कई कंपनीज अपना क्लाउड भी बना रहे हैं अपना खुद का डेटा सेंटर ठीक है तो अभी मान लो मार्केट में अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा इंजीनियर कम मिलेगा एडब्ल्यू एस का मिल, कम मिलेगा अगर आज एक कंपनी आप खोलते हो और आपको आपने आप वही बंदा हायर करोगे जिस क्लाउड सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो राइट जी सर तो जीसीपी क्यों कम यूज कर रहे हैं लोग क्योंकि जीसीपी के जो इंजीनियर्स हैं वो कम है अच्छा। बट अगर किसी कंपनी को चाहिए ही जीसीपी तो वो कौन सा बंदा हायर करेंगे सिर्फ जीसीपी का ही बंदा हायर है, है ना तो यानी जी सर। मार्केट में अगर आप इंजीनियर्स की बात करो सबसे अच्छा आप अगर नेटवर्किंग को थोड़ा जानते हो पता है आपको सिस्को दोनों कंपनीज के बारे में कुछ हाँ हाँ जी सर तो आप मुझे बताओ सिस्को वाले को सैलरी ज्यादा मिलती होगी या जूनिपर वाले को वो तो उनकी जो है नॉलेज पे डिपेंड करता है ना सर वैसे मैं इसी इंडस्ट्री में आपको बोलता हूँ जूनिपर वाले को ज्यादा मिलती है ओके सर अगर आप एवरेज लेके चले पांच साल एक्सपीरियंस बंदा है जिसको सिर्फ आता है और एक पांच साल का बंदा जिसे जूनिपर बहुत अच्छे से आता है तो जिसको जूनिपर बहुत अच्छे से आता होगा ना उसको ऑटोमेटिकली आता होगा ये वही बात है कि आपको अगर कोई बड़ी गाड़ी थार चलानी आती है तो मारुति एट तो आती ही होगी ना ये। तो एक कॉमन तो वर्टर तो एंगल से तो इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीसीपी समझ गया सर जीसीपी की हो सकता है कंपनीज कम है बट जो वो हायर करती हैं तो वो मोटे पैकेज देती हैं ये क्योंकि उसके लोग कम है मार्केट में तो सोना जी, सस्ता है या डायमंड 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 सस्ता है। नहीं मतलब अगर अच्छा एक डायमंड लोगे तो ऑब्वियसली डायमंड इज मोर कॉस्टली कॉस्टली देन देन गोल्ड गोल्ड राइट यस सर है ना या चलो आप गोल्ड सिल्वर की बात करें गोल्ड महंगा है या सिल्वर महंगा है गोल्ड महंगा है क्यों क्योंकि क्यों है है तो मेटल दोनों गोल्ड क्यों महंगा है वैसे लगाओ गोल्ड क्यों महंगा है सिल्वर से क्योंकि उसका नाम है पहले से ऐसा मार्केट में पहले से जो है गोल्ड तो सबसे ज्यादा ये भी तो हो सकता है ना गोल्ड की मार्केट जो गोल्ड है वो कम है हमारे पास लिमिटेड है इसी वजह से वो महंगा है सिल्वर हमारे पास काफी ज्यादा है इसीलिए बहुत ज्यादा आज की डेट में स्टील या लोहा आयरन इतना महंगा नहीं है क्यों क्योंकि वो बहुत मात्रा में हमारे पास है पूरी धरती पे है ना तो जो जी, चीज जी कम है या कोई भी चीज कम है तो वो महंगी ही नहीं। होगी ओके समझ आया समझ तो गया सर समझ गया सर के कम है इंजीनियर तो वो महंगे ही होंगे अच्छा इन कंपैरिजन टू एडब्ल्यूएस इंजीनियर तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि यार अपने आप को ना मत रोको कि मैं एडब्ल्यू में जाऊं या में जाऊं आपका गोल होना चाहिए कि मुझे तो तीनों सीखने क्योंकि अगर आप तीनों सीखते हो तो क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा बट क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट आज की डेट okay. में अगर आप देखें मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट या ऐसी क्लाउड जॉब्स मार्केट में है नहीं तो बहुत सारी जॉब्स आपको दिखेंगी जहां पे मल्टी क्लाउड की जॉब्स मिलती हैं मल्टी क्लाउड जॉब प्रोफाइल्स ठीक है तो ये देखो सीनियर क्लाउड ये देखो एक जॉब सीनियर लीड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन मल्टी क्लाउड इंजीनियर एडब्ल्यू एस एन एजर दिख ये ये देखो, एक जॉब मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जॉब का ही नाम ये कि अगर आपको ज्यादा आती है क्लाउड तो हम आपको मल्टी क्लाउड की जॉब देंगे तो इसके अंदर आपको एडब्ल्यू एस एसर दोनों आना चाहिए या फिर जीसीपी आना चाहिए ये तो ये मल्टी क्लाउड भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो मार्केट में लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर बहुत क्रिटिकल है ना जिसका काम जैसे मान लो नेटफ्लिक्स है तो हो सकता है अगर नेटफ्लिक्स ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती अकेले एडब्ल्यू पे तो क्या हो सकता है वो अपनी फाइल्स को मल्टीपल क्लाउड के अंदर डालेंगे एडब्ल्यू में भी एजियोर में भी जीसीपी में भी जे. तो तीन तरह के क्लाउड मेथड है आज की डेट में एक तो है क्लाउड नॉर्मल की आपने एक क्लाउड के अंदर डाल दिया डेटा और हो गया काम एक होता है हाइब्रिड क्लाउड इसमें क्या होता है अपना अपने ऑफिस में भी सर्वर पे डेटा रखेंगे और क्लाउड में भी रखेंगे क्लाउड फेल हो गया तो आपके सर्वर पे काम आएगा और अगर आपके सर्वर पे लोड ज्यादा बढ़ गया तो क्लाउड पे चला जाएगा तो हाइब्रिड क्लाउड भी चल रहा है तीसरा है हमारा मल्टी क्लाउड जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे एक कंपनी एविया ट्रिक्स बैंगलोर में अगर तो इनकी ये सर्टिफिकेशन uh, वगैरह हैं। we are planning to get this so, क्या करता है कि आपके सर्वर को मल्टीपल लोकेशन पे डिप्लॉय करता है यानी जो भी आपकी क्लाउड अच्छा। एप्लीकेशन है ना तो वो क्या है।, है तो उसको आपको मल्टीपल लोकेशन पे डालता है ये देखो 500 अच्छा। से ज्यादा कस्टमर हो चुके हैं इनके और है। आपका सॉल्यूशन क्या है इनका कि अगर आप देखें कि आपको बस ये बताना है कि आपको सर्वर कहाँ लगाना है तो ये आपके सर्वर को आपके सर ऑफिस में भी डाल देंगे और ऐसे करके जी डब्ल्यू एस पे एजियोर पर क्योंकि पता क्या सीन है कहीं सर्विसेज है ना एडब्ल्यू की अच्छी है कहीं जीसीपी की अच्छी है और कहीं एजियोर की अच्छी है जैसे एक्टिव डायरेक्टरी वाला सारा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा किसका है माइक्रोसॉफ्ट एजियोर का राइट right? जी सर अगर आपको इंट्यून करना अगर आपके ऑफिस में नाइंटी परसेंट लैपटॉप आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो कौन सा ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आप टीम्स भी यूज कर रहे हो आपके ऑफिस में इन भी है आपने हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी टीम से यूज कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेटर है एज्योर योर है ना जी तो हाँ तो ऐसी अलग अलग सर्विसेज हैं अगर आप स्पीड चाहते हैं आप ज्यादा लोकेशन चाहते हैं तो आप एडब्ल्यू यूज करोगे है ना तो अगर जीसीपी क्या क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्यूबर वगैरह यूज कर रहे हो या क्लस्टरिंग कर रहे हो तो आप क्योंकि क्यूबर गूगल नहीं बनाए तो उसका अलग चीज है तो हर अलग अलग सर्वर है अलग अलग सोल्यूशन है डिपेंड कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है तो वो आप फिर वो यूज करते हो तो अब इनके ऐसे बहुत सारे पार्टनर है इक्विनिक्स एक वर्ल्ड का नंबर वन डेटा सेंटर कंपनी होती है उन्होंने भी अपना डेटा सेंटर बना लिया है इक्विनिक्स ने जब मैं एप्पल में था तो से यूज करता था एप्पल डेटा सेंटर के लिए ठीक है आज वो भी क्लाउड के ऊपर बहुत million, billion dollars की डील होती है अगर आप देखें नेटफ्लिक्स और एडब्ल्यू एस ठीक है तो आपको न्यूज सम सुनने को आएगी कि भाई क्या चल रहा है देखो नेटफ्लिक्स के स्टडी एडब्ल्यू ने डाल ली है तो आप जब ये पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि यार क्लाउड कहाँ जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं तो ये जब समझना होगा ना तो आपको फिर वो नॉलेज भी होनी चाहिए कि यार डेवोर्स भी समझ आना चाहिए थोड़ा क्लाउड सिक्योरिटी सो दिस इज वी केम अप विद प्लान कि आपको हम क्या कहते हैं कि आप हमारा आ, ये एक लाइव एक्सेस पास है तो लाइव एक्सेस पास में अगर अगर तो आपको लिमिटेड रहना है कि मुझे तो एडब्ल्यू एस पढ़ना है तो सिंपल आप हमारा मास्टर प्रोग्राम में जाओ एडब्ल्यू एस पढ़ लो पहले फिर छह महीने बाद एजियोर पढ़ लेना फिर उसके बाद अगर आपको लगे जीसीपी की रिक्वायरमेंट है तो वो पढ़ लेना बट आप तीनों अगर प्रोग्राम करते हो तो तीनों की एक कोर्सेज की कुछ स्पेसिफिक फीस होती है क्योंकि हम डायरेक्टली इंडस्ट्री का जो भी बेस्ट बंदा है उस टेक्नोलॉजी का वही पढ़ाता है ऐसा नहीं कि कोई भी आ, आ, कोई भी आके पढ़ा रहा है एडब्ल्यूएस में काम कर रहा है और एजीओर पढ़ा रहा है ऐसा नहीं है कोई एडब्ल्यूएस में काम कर रहा है एडब्ल्यूएस एस टेक्नोलॉजी पे वही एडब्ल्यूएस पढ़ाता है और जो एजियोर का एक एक्सपर्ट है वही एजीओर पढ़ाता है यहाँ पे और जो जीसीबी का एक्सपर्ट होगा वही जीसीबी पढ़ाएगा समझ आया तो समझ तो आप बेसिकली यहां से कोई कोर्स नहीं पढ़ते आप यहाँ डायरेक्टली इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस ले रहे हो जिन्होंने पांच साल दस साल अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम करा है अब क्लाउड इतना पुराना नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आपको चार पांच साल छह साल एक्सपीरियंस वाले लोग मिलेंगे जिनको होगा मे बी पंद्रह साल एक्सपीरियंस पर पांच सात साल वो मे बी लाइन एक्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे फिर वो डेवऑप्स इंजीनियर बन गए अब इसीलिए वो एसडब्लू एस पढ़ा पा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं या तो आप एक पर्टिकुलर कोर्सेज पकड़ लो जैसे आपने एज्योर एज्योर का पकड़ लिया तो Azure के अंदर हम तीनों सर्टिफिकेशन कराएंगे लियान करो फोर फाइव हंड्रेड है तो ये पांच छह महीने में आपके तीनों कोर्सेज हो जाएंगे और अगर आप एडब्ल्यू एस में जाओगे तो ए डब्लूएस में भी तीन तो अगर आपको स्पेसिफिक रहना कि मुझे तीन पढ़ने और मेरा गोल है ये तीन क्लियर करना तो तो डेफिनेटली आप मास्टर प्रोग्राम पे जाओ बट अगर आपके मन में है कि मुझे एक ऐसा प्लान दो कि जहां पर अगर मैं एज्योर में जा रहा हूं और एज्योर में मैंने एडमिशन ले ली तो फिर आप याद रखना इस कोर्स में क्या है कि आपको वो एज्योर ही पढ़ना है एंड टू एंड और टाइमिंग फिक्स है जो भी टाइमिंग है मान लो नौ से ग्यारह वही टाइमिंग है आपका अगर शिफ्ट चेंज होगी कुछ हो गया तो हो सकता है आप टीम को कांटेक्ट करें कोई और बैच दे दें आपको ठीक है बट नॉर्मली वन टाइम ही बैच मिलता है इसमें कि आपने वन जीरो फोर पढ़ लिया आप फाइव हंड्रेड पढ़ोगे सेवन हंड्रेड पढ़ोगे और अगर कोई क्लास मिस होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है बड़ा सिंपल बट लाइव पैकेज जो हमने बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि हमें ना बैच रिपीट करना है अच्छा तो आपको मान लो एजन जीरो फोर पढ़ा आपने वीडियो आप देखते नहीं, नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको दोबारा वन जीरो फोर पढ़ना है एक बैच आपने इंग्लिश में पढ़ लिया आप एक हिंदी बैच आया आपके तो नहीं नहीं मुझे हिंदी में डाल दो तो उसी हमने एक प्लान बनाया लाइव एक्सेस पास ठीक है इसमें क्या होता है कि आप जितने मर्जी बैचेस रिपीट कर सकते हो ठीक है इसी बैच और इसके अंदर आप कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ सकते हो ठीक है तो इसके अंदर आप अपना मान लो आपने क्या करा अब आपका रोड मैप की मैं अगर बात करूं तो आपने क्या करा इसके अंदर सबसे पहले आपने मान लो आपने एज्योर शुरू कर दिया तो ठीक है पढ़ा तो आप क्या कर रहे हो एजियोर का एक स्पेसिफिक टाइमिंग है है ना कि एज्योर एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ रहे होंगे आप कि मान लो आप वीकेंड पे पढ़ रहे हो तो वीकेंड पे पढ़ रहे हो तो आप मान लो सुबह दो घंटे पढ़ रहे हो बट अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हो तो रात को भी दो घंटे पढ़ सकते हो वीकेंड पे तो ये सुनो ठीक है तो इससे क्या होता है कि आप एडब्ल्यू और एजयोर दोनों पढ़ सकते हो यानी सुबह आप दो घंटे का बैच एडब्ल्यू लगा लो रात को आठ बजे से दस बजे हम मतलब हमारे बैचेज होते सुबह से ये दस से लेके बारह तो बारह से लेके आठ बजे तक फिर भी वीकेंड के पास आपके पास टाइम है अपनी फैमिली को बाहर दोस्तों के साथ घूमने का क्योंकि जो हमारे ट्रेनर है, उनकी भी फैमिलीज हैं तो वो भी ऐसे ही बैच लेते हैं या तो वो सुबह ले रहे हैं या रात को ले रहे हैं बीच में दोपहर के टाइम पे ऐसे बैचेज इतने नहीं है बहुत रेयर है ठीक है तो आप वीकेंड पे आपके दो बैचेज हो गए है ना अब तीसरा क्या मैंने आपको बोला कि डेवोप्स एक ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप क्लाउड में जाना चाहते हैं तो क्लाउड में जाना चाहते हो तो आपको क्लाउड की सारी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए मेरे को लाइनेक्स भी आना चाहिए मेरे को एडब्ल्यूएस भी जैन भी Ansible भी Docker भी Kubernetes भी टेराफॉर्म भी ग्रफाना भी प्रोमिथियस भी तो ये हमारा छह महीने का डेवॉप्स का कंप्लीट बैच होता है ठीक है okay. तो डेवॉप्स हमारा वीक डे होता है बैच कभी गौरव yes. है ना तो हमारा डेवॉप्स एक वीक डे बैच चलता है मान लो तो उसमें क्या आप वीकडे okay. पे मंडे टू फ्राइडे या तीन दिन चार दिन जो भी है हमारे चार दिन के बैच हैं जैसे मंडे टू थर्सडे लेते हैं ठीक है तो वो रात को नौ से ग्यारह है तो दो घंटे वीकडे पे आप निकालते हो तो आप क्या कर रहे हो आप एजियोर भी पढ़ रहे हो एडब्ल्यू भी पढ़ रहे हो और डेव भी पढ़ रहे हो अच्छा इससे क्या आप होलिस्टिकली ग्रो कर रहे हो ये नहीं है

कि यानी हम स्कूल में जब हम अठारह बीस साल के थे पंद्रह साल से सत्रह साल की एज थी तब तो तब तो हम इतने एडवांस लेवल पे तीन तीन चीजें पढ़ रहे थे बट आज की डेट में जिससे हमारी रोजी रोटी बढ़नी है उस केस में हम क्या कह रहे हैं भाई नहीं मैं तो सिर्फ मैथ पढ़ूंगा पहले फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा एक साल में फिर मैं वो पढ़ूंगा आप समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश जी सर समझ गया मैं समझ गया स्टेप बाय स्टेप जाने से अच्छा पैरेलली सारी टेक्नोलॉजी सीख लो आपके लिए फायदा पैरेलली क्या होगा सबसे बेस्ट एक चीज होगी आपके साथ आपका रिज्यूमे बहुत फाड़ी हो जाएगा जी सर आज नहीं कल वो चीजें आपको करने। जब आपको फैक्ट पता है कि अच्छा जब आपको क्लाउड में जाना है तो मुझे फैक्ट बताओ एसजीओ जीसीपी तीनों पढ़ने पड़ेंगे नहीं पढ़ने पड़ेंगे जी सर आपके क्लरिफिकेशन के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर है ना ये मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट के लिए अगर है तो फिर कोई भी कंपनी में अप्लाई करो चाहे तुमको आज आता है चाहे तुमको ए आता है चाहे तुमको क्लाउड आता है अगर तीनों का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है तो तुमको कोई जो है चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कंपनी में तुम ये रेज्यूमे डालोगे तो वो ऑन द स्पॉट देखेंगे ये चलो बंदे को तीनों आता है तो अब छह महीने में आपके एर के बैच हो जाएंगे छह महीने में एडब्ल्यू के छह महीने में डेवअप हो जाएगा है ना हो जाएगा ना हेलो आर यू ऑडिबल हां जी मैं कह रहा हूँ छह महीने में तीनों बैचेस आपके हो जाएंगे चाहे बेशक हमें फोर्टी परसेंट नॉलेज आ रही है कहीं और मे भी किसी बैच में सिक्सटी परसेंट नॉलेज आ रही है डेव ऑफ में, में भी मेरे को बहुत कम नॉलेज आ रही है बट मुझे नॉलेज आ रही है राइट जी सर तो इसके बाद भी छह महीने आपके पास इसके बाद भी आप दोबारा यही बैचेज रिपीट कर सकते हो या मुझे अगर एडब्ल्यू okay. एस समझ आ गया तो मैं क्या करूंगा जोर की जगह जीसीबी ले लूंगा इस बार और अगली बार जब मैंने पढ़ा तो जीसीबी मुझे 50 समझ आ गया एडब्ल्यू एस मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे अब 80 AWS आ गया गया और DevOps भी मेरा 60 हो गया। तो यानी आप एक साल में मल्टीपल बार बैचेस ले सकते हो तो आपको मैं ये बता रहा हूँ छह बार ये टेक्नोलॉजीज आप पढ़ सकते हो एक साल के अंदर अंदर बिकॉज ये हमारा वन ईयर का प्लान है इसके बाद मैं तो ये बोलता ही नहीं कि भाई वन ईयर का प्लान लो जब आप प्लस वन टेंथ प्लस वन प्लस टू में मैथ फिजिक्स पढ़ रहे थे तब तो तीन साल लगा दिया और अब आप, आप य सोच रहे हो कि यार मैं छह महीने में करियर बना के पचास लाख के पैकेज पे चला जमू नहीं आपको यहां नहीं। भी तीन साल देने पड़ेंगे हमें तीन साल आपको लगातार बार बार नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी क्लाउड की सिक्योरिटी की डेब की अब हम एक नई डेब्स भी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी और डेब ऑप्स और क्लाउड सिक्योरिटी का कॉम्बो है तो तीन साल तक लगातार आपको लाइव बैचेस पढ़ना पड़ेगा एंड आई एम श्योर मिनिमम मैं बता रहा हूं अगर आज की डेट में आपका पांच लाख भी पैकेज है पांच से दस के बीच में भी है या जो भी पैकेज है मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर आज आप पांच से दस लाख के पैकेज के अंदर है तो विद इन थ्री इयर्स आप थर्टी फाइव टू फिफ्टी लैक्स के पैकेज पे होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। है तो नाउ द थिंग इज एक ही चीज है जो हम मांगते हैं कैंडिडेट से वो ये है कि टाइम अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो क्योंकि फीस तो बहुत अफोर्डेबल है दस हजार रुपए okay. जितने मर्जी बैचेस करो mm -hmm. और दस हजार तो की फीस आज की डेट में और यहाँ मैं आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ और मैं मानता हूं कि अगर मेरे टाइम पे ऐसी कोई चीज होती और मैं अगर पांच छ लाख के पैकेज पे होता तो मैं आराम से पांच छे के पैकेज पे चालीस पचास हजार सैलरी है तो दस हजार रुपए मैं कैसे भी करके निकालता अगले तीन साल के लिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगले दो तीन साल चार साल के अंदर पचास लाख के पैकेज तक जा सकता हूँ क्योंकि जब एक एंड तो सर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही है और इसमें तो कोई जो है मेरा नुकसान भी नहीं है अगर पैंतीस नहीं तो एटलीस्ट जो है मैं एक्सपेक्ट करके कैसे भी रीच आउट करके जाता हूँ तो पच्चीस से तीस तो का भी पैकेज ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए ही फायदा है यही ये, ये बस समझना है इसीलिए मीटिंग है जिसको ये बात समझ आ जाती है कि लर्निंग इज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ वो बन... लोग क्या करते हैं चालीस हजार की नौकरी है उसमें बीस हजार म्यूचुअल फंड में डालने लग गए कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं बचा है फिर वो इधर उधर तीन सौ तीन सौ के कोर्स करते हैं फिर वो पांच साल के बाद कितने लाख पे ही पहुंचेंगे और वो ही बंदे जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें वो पांच साल में पचास भी क्रॉस कर जाते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग ए वाइज डिसीजन अबाउट योर लर्निंग सारी उम्र हमने बीटेक की फीस भरी कॉलेज में फीसें भरी आज जब पैसा एक्चुअल कमाने की बात आ रही है तो हम सोच रहे हैं कि चलो रुपए का कोर्स कर लेते हैं जी तो सर इस पे आपका तो इस... जी सर जी सर बताइए नहीं नहीं आप खत्म कीजिए मैं ये की बोलता हूँ कि यार कोई डिनाई नहीं अगर आप सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छी चीज है लोग अगर सेल्फ लर्निंग अच्छा है, बताओ स्कूल में जब आप थे या जो भी है मुझे सुन रहे हैं तो जो आप मुझे बताओ कि जब आप स्कूल में थे जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे थे सारा आपने सेल्फ पढ़ा था या ट्यूशन जाते थे सच बताना नहीं नहीं ट्यूशन तो जाते ही थे क्यों जाते थे क्योंकि इंडिया क्योंकि... में इंडिया जा... में हम सेल्फ लर्निंग नहीं करते हैं वी आर नॉट अंग्रेज <laughs> रहे हो हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि भाई एक, एक एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए जब हमारी परवरिश ही हुई है पढ़ते पढ़ते या तो बहुत इंटेलिजेंट कि भाई मैंने मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री खुद पढ़ के प्लस टू में नाइनटी परसेंट ले लिए फिर तो सेल्फ लर्निंग उनके लिए सेल्फ लर्निंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बंदों ने सारी उम्र ट्यूशनें पढ़ी हैं और आज सोच रहे हैं कि भाई मैं वीडियो देख के बहुत करियर बना लूंगा या तो आपने या तो आपने एक साल हमारे लाइव बैचेस करे अब आपको बहुत नॉलेज है तो सेकंड ईयर लाइव बैचेस लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको इतनी नॉलेज होगी अब आप वीडियो भी देखोगे तो रिलेट कर लोगे जी सर ठीक है तो मैं ये बोलता हूँ पहले लाइव बैचेस करके ट्यूशन पढ़ो समझो ट्यूशन का है, क्या है कि आपको इंडस्ट्री का बंदा आके पढ़ा रहा है आपको एक एनवायरमेंट मिल रहा है आपको एक टाइम बाउंडेशन सबसे बड़ा क्या चीज होती है एनवायरमेंट मिल रहा है कि आपको एक पता है अंदर से कि मैं दस हजार रुपया दे रहा हूँ तो अंदर से आएगा भाई मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ ये वही ये। बात है आज नेटफ्लिक्स आप अगर सात सौ रुपए वाला प्लान ले तो तो नेटफ्लिक्स का जब सात सौ रुपए पे, पे इतना प्रेशर आ रहा है हमारे ब्रेन पे कि भाई मैंने मेंबरशिप एक मूवी तो देखू हफ्ते की तभी मेंबरशिप लेके फायदा है ना नहीं तो फिर सौ दो सौ वाला प्लान ले लेता हूँ कम से कम नहीं भी ज्यादा हुआ समझे इंडिया में ना प्राइस टू वैल्यू देखते हैं हम अपना करियर तभी बना सकते हैं जब हम उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे जब हमारा माइंड बोलेगा भाई तूने खर्चा किया है ठीक है तो ये वही जे. बात है जैसे रेस्टोरेंट में गए हो बूफे सिस्टम होता है ना कि हजार रूपये की थाली भाई आज तो पेट भर के खाना भाई पैसे दिए वही सीन है जे. कि आपने ये बूफे सिस्टम है आपकी मर्जी आपको क्या खाना है अगर आप नहीं खाओगे तो आप ही का नुकसान है क्योंकि हम हजार रुपये तो ले ही लिए रेस्टोरेंट में अब आप खाओ या ना खाओ आपकी पढ़ाई के ऊपर है अब वही चीज है कि हम हमारी फीस है अब आप पढ़ो ना पढ़ो हमारे तो 300 प्लस लाइव बैचेस साल के चल रहे हैं जो मर्जी बैच में बैठ जो आपको AWS में बैठना है जोर में बैठना है DevOps में बैठना है जीसीपी में बैठना है AWS में बैठना है जो मर्जी टेक्नोलॉजी में बैठो सिंपल है तो ये और इसको हमने ना बेटर करने के लिए क्या करा वो आपको गौरव जो आपके काउंसलर हैं वो बता देंगे कि हमारे जो बैंक्स हैं हैं जो भी वो हैं, भी वो ऑफर्स नो कॉस्ट हम इस पे प्लान पे देते हैं और एक साल तक जितने मर्जी बैचेस करो और इसके साथ साथ जो भी कोर्सेज आपको यहाँ पे डब्ल्यू एस एच और जीसीपी इन सब के वीडियो लेक्चर आपको फर्स्ट डे मिल जाते हैं बिकॉज वी बिलीव कि हम आपका वेट ना करें कि लाइव के लिए वेट करो क्योंकि लाइव का मतलब होता है डिस्कस करना इस क्योंकि लाइव का मतलब ये नहीं होता चुपचाप बैठ के सुनना आज जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप एक क्या है ये एक हेल्दी डिस्कशन आपके करियर की एग्जैक्टली exactly. तो yes, लर्निंग तो भी ऐसे होनी चाहिए कि आप बात कर पाओ ट्रेनर से तो हमारे जितने भी मार्केट में ट्रेनर्स हैं या जो भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं बहुत सारे वेंडर हैं सो व्हाट दे आर डूइंग सो दे यू कांट अनम्यूट योरसेल्फ

तो होगा कि आपको पहले से ही पता है तो जब आप लाइव आप पढ़ा रहे हैं तो आप डिस्कस ज्यादा कर पाओगे क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती तो उसमें क्या आप डाउट पूछोगे कभी भी नहीं पूछोगे आप चुपचाप सुनते रहोगे आप पता चला बैच हो गया उसके बाद आपको डाउट आ रहे हैं तो इसी वजह से हम पहले बोलते हैं वीडियो लेक्चर देखो ट्रेनर से पूछो कल क्या टॉपिक आ रहा है उसको पहले ही पढ़ के जाओ ताकि आप वहां पे डाउट्स पूछ सके क्योंकि जब आपको आता होगा टॉपिक तभी तो आप पूछोगे ना आ, अतुल सर इसमें जो ये मेंबरशिप होता है सर इसमें एक मेरा है ना, का, अगर आपको लाइव नहीं लेना, फिर तो हमारा एक बहुत ही पैकेज होता है वो तो ऑल एक्सेस पास है ठीक है ऑल एक्सेस में सारे के सारे वीडियो लेक्चर आ जाते हैं नेटवर्किंग क्लाउड साइबर सिक्योरिटी डेवलप जो मैंने दिया ये तो है ही है ये तो हमारे ये तो है ही है बाकी उसमें चालीस प्लस कोर्सेज आ जाते हैं ओके okay, सर और ये ईयरली मेंबरशिप में सर आपने बोला वैसे सर सारी टेक्नोलॉजीज का कोई भी जो है लाइव बैच जो है अरेंज करके हम लोग पढ़ सकते हैं राइट सर आपको अरेंज नहीं करना अरेज हम कर रहे हैं आपको सिर्फ काउंसलर को गौरव को कॉल करना है कि यार ये, ये वाला बैच इस तरीक को आ रहा है मुझे दे दो दिख रहा है हर महीने ऐसे डेट डल जाती है यस सर आपने फोन करना है ये पांच अक्टूबर से जो बैच शुरू हुआ था इसमें मुझे डाल दो ओके सर समझ गए एक आदमी जी सर हाँ, तो, तो, ये आ, सर आ, आ। हाँ सर अभी सर आपसे है ना लास्ट क्वेश्चन है ना पूछूंगा सर इतना सर प्रेजेंटेशन देने के बाद सर जब प्रैक्टिकली जब लाइफ में ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आता है सर तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर जब मेरे को पैंतीस पचास पे पहुँचना है तो एटलीस्ट मेरे को जो है यू नो वन बाय वन मुझे जो है स्टेप या फिर सीढ़िया तो सर चढ़नी पड़ेगी राइट सर तो एज ऑफ नाउ सर मैं आपसे ये सजेशन मांगूंगा कि अगर मैं लेता हूँ और उसके बाद मुझे एज अ सर्विस डेस्क इंजीनियर से यहाँ से विप्रो से निकल के अगर कोई मार्केट में एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर फर्स्ट स्टेप पे जाना है सर तो आपके सजेशन के हिसाब से सर सर मैं मैं पहला कौन सा ऐसा कोर्स जी उसके बाद तो सर, पैरेलली मैं दूसरी टेक्नोलॉजी सीख ही रहा हूँ पर सर यू नो वेरी वेल आप एक्सपीरियंस है सर सर्विस डेस्क का जॉब कैसा होता तो है सर जा रहा था कि अगर अगर आप पैरेलली चीजें करोगे ना मुझे भी नहीं पता आपको क्या ज्यादा समझ आएगा जी सर सबकी अलग अलग लर्निंग स्किल होती है और टीचर भी अलग अलग हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छा समझ लो दूसरे ट्रेनर से इतना ना समझो या दूसरे से इतना अच्छा समझ लो कहीं बार ट्रेनर का भी होता है तो हम कैंडिडेट को अपने ये भी लिबर्टी देते हैं मान लो आपने मेरा डेवाल्प शुरू करा और अगर आपको डेवोप के ट्रेनर के साथ कनेक्ट अच्छा नहीं हो रहा तो वो बैच मत करो अगले वाला ले लेना डेवलप्स हर महीने बैचेज है हमारे तो जी सर समझ Because गया तो के... मैं उसी पे क्लैरिफिकेशन है ना लेना चाहता हूँ सर कि आपके हिसाब से सर मैं जो है अभी पहला स्टेप कहाँ से लू आज से लू ए से लू के सर जो है जीसीपी से लू सर दैट्स व्हाट माय ओनली सर मैं देखो मैं वही बता रहा हूँ डू नॉट चूज गए एक ही लाइन समझ गया सर सर समझ गया नहीं क्लियर है जो भी बैचेस हमारे चल रहे हैं गौरव से उनका डेमो चेक करो कि यार जो मुझे ट्रेनर कनेक्ट लग रहा है जैसे हर बैच जो हमारे 25 से 30 बैचेस लाइव होते हैं हर महीने मतलब 300 प्लस तो लाइव बैचेस हम कर रहे हैं ये एडब्ल्यूएस की क्लास हुई है अभी तीन दिन पहले अगर ये ट्रेनर ठीक है ये ट्रेनर आपसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप इसको समझ पा रहे हो तो एडब्ल्यू तो कन्फर्मड है करना ही करना है ठीक है एडब्ल्यू एस मेरा कन्फर्म हो गया मैंने आपको वैसे ही बोल दिया करो, करो, तो बोल काम कर अभी एक महीने में डेब शुरू और एक काम करो मुझे ना लाइनेक्स में डाल दो एक महीनाक्स तो पढ़ लू मैं ठीक है हो तो मैं आपको आप इवन इवन इसके अंदर एक अच्छी चीज है इस पैकेज में आप मेरे तीन बेसिक कोर्सेज मतलब कोई भी गूगल कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी आएगी ना और कोई भी डेवॉप्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आएगी आप कोई भी बैचेज आप कर सकते हो जैसे Azure के कोई भी बैच आएगा आप अटेंड कर, कर सकते हो जीसीपी का कोई भी बैच एडब्ल्यू एस का कोई भी बैच आएगा डेव का कोई भी बैच आएगा और डेवसेकऑप जो मैं बता रहा था हमारा ये चल रहा है और क्यूबरिटेज के कुछ सर्टिफिकेशन आ रहे हैं जो भी क्लाउड और डेबॉप्स से रिलेटेड कोई भी लाइव बैच है वो आप कर सकते हो बाकी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्वर क्योंकि आप एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको। और प्लस का जो भी येमेंट्री है uh, 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 तो मिस हो जाता है तो हाँ हाँ सारे बैचेस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं ओके मेंबरशिप पास में ना सर हाँ हाँ सारे जो भी बैच okay. आप अटेंड कर रहे हो ना उसकी वीडियोस भी मिलते हैं प्लस आपको ये जो जितने भी बैचेज हैं ये पच्चीस हैं ठीक है एक बार हम बात करते हैं कि आपको ऑल एक्सेस ही दे दें इसके साथ ठीक है वो मैं बहुत से एक बार हम इंटरनल टीम में डिस्कस कर लेंगे ऑल एक्सेस में हमारे नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के भी सारे कोर्सेज आपको एड हो जाएंगे इसके अंदर जी सर ओके थैंक यू सो मच सर आपके गाइडेंस के लिए बस आशीर्वाद चाहिए कि सर अभी है ना यहाँ से निकल सके क्योंकि सर ऑलरेडी दो साल से है ना यहाँ पे एसडी में रह के नाउ यू नो इट्स फील लाइक है ना निकलना है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ यू नो मेंटर सर पॉलिटिक्स देखने के बाद इंक्रीमेंट ना मिलने के बाद वी सी दैट अभी नया टेक्नोलॉजी लेके है ना बाहर निकलना है सर टू मच नाउ देखो मैं आपको ये कहता हूँ कि लाइफ में ना दो तरह का माइंड सेट होता है ग्रोथ माइंडसेट है ना एक होता है चीज़. कि भाई ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है ना तो ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव होता है अपने ऊपर कि मैं कर लूंगा ठीक है एक होता है है फिक्स माइंडसेट ना दो तरह के माइंडसेट होते हैं इसकी कोई चीज़. वीडियो देखना यूट्यूब पे आपको पता चलगा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले ना अपने ऊपर इन्वेस्ट गीज़. करते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगे रहते हैं कोई भी नेगेटिव भी चीज हो रही है उनकी लाइफ में उनको भी बेटर कर रहे हैं फीडबैक हो रहा है मान लो अगर आपका गिव अप नहीं करते जैसे मान लो आपको ए, का बैच आ, करा आपने पर आपको समझ नहीं, नहीं आया तो आपका क्या होगा कि यार मेरे मेरे को को नहीं नहीं समझ आ रहा मेरे को तो अच्छा रहा तो तो ये डोमेन ही अच्छा लग जो ग्रोथ वाला है वो क्या करेगा? कोई बात नहीं मैं दोबारा कर लूंगा तभी ये प्लान बनाया कि आप क्योंकि जब हम एक ही बैच देते थे ना कैंडिडेट को वो तो हम तो ग्रोथ माइंड से देते हैं पर अगर उसका नहीं है तो वो बच्चे को क्या लगता था यार मैंने एक बार नहीं समझाया मेरा करियर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मेरा बैच चला गया तब हम ये से लेके आए कि यार आप कोर्स का हमें पैसा दे ही नहीं रहे आप एक मेंबरशिप का फीस दे हो आप जितने मर्जी बैचेस करो जितनी मर्जी लर्निंग करो दिस इज फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ द प्लान तो दैट्स व्हाई दिस प्लान इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे हालांकि हम बड़े लिमिटेड रखते हैं इसको क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 500 सौ पांच इसकी बैच की कर रहे हैं, बिकॉज वो हर किसी का ग्रोथ माइंड सेट नहीं होता अब जैसे एक एक बच्चे को हमें 40-40 मिनट की काउंसलिंग करनी पड़ती है तब जाके उनको समझ आता है ये मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं जी सर गया और हाँ सर अगर सर गौरव सर के साथ मिलने के बाद और फिर मेंटर्स के साथ मिलने के बाद भी अगर सर फिक्सेशन नहीं होता है तो यू एज मेंटर तो सर अगर ईमेल करेंगे तो आप भी अपना अवेलेबिलिटी टाइम देके सर हमको गाइड तो करेंगे ना सर अगर पॉसिबल हो सकेगा नहीं, नहीं, तो या डेफिनेटली लाइव एक्सेस पास जो लेते हैं लोग हम उनको रेगुलरली महीने में एक दो बार कॉल करते हैं पूछते हैं उनसे भाई कई कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं आपके लिए हम ये भी पूछते हैं जी, अभी तक सारे बैचेस जा रहे हैं नहीं जा रहे है। अब क्या, जी, क्या एक लास्ट एक ऑप्शन रह गया है उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर हायर करना है ऑफिस में रोज कॉल करके कर वो मोटिवेट करेगा कॉल करके भाई तुम कर सकते हो तुम्हारे अंदर जज्ब है बस ये रह गया है क्योंकि क्योंकि और तो सब हम कर चुके हैं बाकी अंदर से मोटिवेशन आना ना वो देखो आप किसी आप मान लो जिम लगते हो तो आपने जिम वर्ल्ड की बेस्ट जिम भी लग जाओ गोल्ड जिम में पर डंबल तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना भाई कोई जी ये तो है, वो नहीं, तो है कोई आप आपका डंबल उठाए और बॉडी आपकी बन जाए है ना ये वही चीज है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे फैक्ट है है ना तो यही चीज है बस आज तक ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे नहीं तो बच्चों को क्या होता था एक एक कोर्स के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ता था फिर वो कोर्स समझ आए ना आए फिर वो उसका माइंडसेट क्या कहता था भाई पैसे वेस्ट हो गए फिर वो यूट्यूब पे इधर उधर से वीडियो देख रहा है क्योंकि वो कभी भी आपको उतने लेवल पे नहीं लेके जाएगा जब तक आप लाइव क्योंकि हम इंडियंस को ना एक वर्क एनवायरमेंट का एक वो है हमें एक एनवायरमेंट चाहिए हमें एक ट्यूशन चाहिए हमें एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपरली मैं कहीं पे भी अटक रहा हूं तो मैं अपना लाइव डाउट पूछ सकू ट्रेनर से तो वो जिनका माइंडसेट होता है ना वो लोग ग्रो करते ही करते हैं पर जिन लोगों का वीडियो से भी माइंडसेट चेंज हो गया मान लो एक साल आपने पढ़ा एक साल में अब आपका बहुत बहुत ज्यादा आपको मान लो दस के पैकेज पे थे बीस पे चले गए अब आपको पता है यार मैंने ना पिछले एक साल में लाइव बैचेज अटेंड नहीं करे मैंने ज्यादातर वीडियो देखी तो आपको क्लियर है मेरे को लाइव पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं मैं वीडियो भी लूंगा तो भी मैं करियर में आगे चलूंगा तो वो एक माइंड सेट है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा बट फॉर द हु रियली टू पुश उनको तो पहले लाइव एक्सेस पास जैसी चीज ही लेनी चाहिए कि भाई मेरे को मत रोको मैं जो मर्जी बैच अटेंड करूं क्योंकि कौन सी अकेडमी है कौन सी अकेडमी आपको कहेगी भाई जितने मर्जी बैच अटेंड कर कौन सी अकेडमी आपको कहेगी भाई सारे वीडियो लेक्चर पहले दिन दे रहे हैं कौन सी अकेडमी आपको कह रही है हंड्रेड परसेंट गारंटी है बेस्ट इंजीनियर मार्केट के लेके आ रहे हैं और अगर वो आपको वो भी पसंद नहीं आ रहे कॉल करो गौरव को भाई मुझे बैच क्यों आप, अंदर -अंदर छोड़ देना। question, बैच रहे हो क्योंकि आपका कंट्रोल लर्निंग का आपके हाथ में है हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर है करने की अब लोगों को ये समझना है कैंडिडेट्स को ये समझना भाई ये जो चीज मिल रही है ना मुझे मैं इनको यूज करके बहुत एडवांस लेवल पे जा सकता हूँ चलो फिर आप गा से फर्दर कनेक्ट कर लो और लोर डन okay, so सर डन डन सर थैंक यू ओके आगे मिलने का मौका हुआ तो श्योरली आई विल कनेक्ट विथ यू सर ठीक है ठीक है जरूर श्योर श्योर थैंक यू सर ऑलवेज नीड यूर बेलसिंग थैंक यू सो मच सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके सर जी जी थैंक यू थैंक यू